नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, एक साल पहले सितंबर 2022 में बिहार सिविल कोर्ट के लिए चार तरह के पद के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें क्लर्क के लिए 3325, स्टेनोग्राफर के लिए 1562, कोर्ट रीडर के लिए 1132, प्यून के लिए 1673 और कुल मिलाकर 7692 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। लेकिन एक साल बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई है और 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था इसके लिए। एक साल बीत चुका है, ये कितना अन्यायपूर्ण है, ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। जो इससे संबंधित बोर्ड है, जिनको परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि एक साल बाद भी आप परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की अभी तक। यही आप देखिए, पटना हाईकोर्ट के लिए वैकेंसी आई थी, उसकी परीक्षा हो गई, उसके बाद आई थी पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी, लेकिन सिविल कोर्ट कि जो वैकेंसी आई, एक साल बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। बिहार में बेरोजगारी वैसे भी है, जनसंख्या भी ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और 7692 पदों के लिए, 7692 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी, अगर एक साल में इसको तो पूरा हो जाना चाहिए था, इस बहाली को एक साल में पूरा हो जाना चाहिए, कम से कम 7692 लोगों को नौकरी मिलती, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। तो ये कितना अन्यायपूर्ण है। जो संबंधित बोर्ड है इसके लिए, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, कम से कम आप सोचिए इस बात को कि कितना आप लोग अन्याय कर रहे हैं कि 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं एक साल से और आप अभी तक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं किए हैं। इतनी लेट लतीफी क्यों? तो आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, नहीं तो फिर मजबूरी में हम लोगों को सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोगों को कोई शौक नहीं होता कि सड़क पर उतर के आंदोलन करें, हमें मजबूर किया जाता है तब हम सड़क पर उतरते हैं। तो सिविल कोर्ट वैकेंसी के लिए, सिविल कोर्ट बहाली के लिए जो भी संबंधित बोर्ड है, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द सिविल कोर्ट की परीक्षा की तिथि आप घोषित कीजिए। जो चार तरह के पदों के लिए एक साल पहले वैकेंसी आई थी, एक साल पहले विज्ञापन आया था, उसकी परीक्षा की तिथि आप जल्द से जल्द घोषित कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग मजबूरी में सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। और जो भी संबंधित अभ्यर्थी है, जो 15 लाख से अधिक संख्या बताई जा रही है, उन सभी अभ्यर्थियों से, सिविल कोर्ट बहाली के सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी एकजुट होइए। आप लोग एक यूनाइट नहीं है, एकजुट नहीं है और इसी का नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है कि एक साल हो गया और अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आई, उसका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई, एक साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। तो जितने भी अभ्यर्थी है सिविल कोर्ट वैकेंसी के, सिविल कोर्ट बहाली के जितने भी अभ्यर्थी आप लोग हैं, आप सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप सभी यूनाइट होइए, एकजुट होइए और हम जो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं उसमें ऐड होइए, उसमें ऐड होकर आप लोग एकजुट होइए ताकि हम लोग एक साथ विचार विमर्श कर सके और आगे की रणनीति तय कर सके। क्योंकि अगर आप लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठाइएगा तो अभी तो एक साल बीता है, पता नहीं और कितना साल आगे बीत सकता है। तो जितने भी सिविल कोर्ट बहाली के अभ्यर्थी, आप सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग यूनाइट होइए और यूनाइट होकर एक साथ आवाज उठाइए ताकि आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो, परीक्षा हो, सही से परीक्षा हो, पारदर्शिता के साथ परीक्षा पूरी हो और जल्द से जल्द ये बहाली संपन्न हो। नहीं तो फिर इस बहाली का भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक ये संपन्न होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। और हमारा जो मोबाइल नंबर है, आप उस पर हमें फोन भी कर सकते हैं, 7282005656। धन्यवाद। जय हिंद।